गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बेटा हम लोगों ने जो लेसन स्टार्ट किया है वह लाइक प्रोसेस, और लाइक प्रोसेस के लेसन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि फूड इज नीडेड फॉर द लाइक प्रोसेस, और इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन करके। तो पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहले ये देखा था कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कुछ वेरियस लिविंग थिंग्स के एक्टिविटी जो फिजियोलॉजिकल एक्शन कहलाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन, जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, यानी हमारा दिमाग काम कर रहा है कि हमें कौन सा काम करना है, नहीं करना है, टाइम पे भूख लगना, टाइम पे नींद आना, ये सारी चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर हैं। ब्रीदिंग होना यानी सांस लेना, सांस छोड़ना जिसे रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं, यानी हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी हमारे बॉडी में ATP के रूप में बनता है, ये सारे वेरियस एक्शन या सारे वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक लिविंग थिंग्स के ही एग्जांपल हो सकते हैं, यानी लिविंग थिंग्स के ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होता है, और उसी तरह लिविंग में कुछ वेरियस प्रोसेस में आगे बढ़े थे जिसी का नाम है, यही वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्शन को ही हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ का सिंपल मतलब क्या है, जीवन, यानी जो लिविंग है और उसके प्रोसेस। तो आप खुद एनालाइज करो कि आप में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। बेटा आप डाइजेशन, खाना खाते हो, डाइजेशन होता है, वो एक लिविंग का प्रोसेस है। दूसरा एक्सक्रीशन करते हैं यानी यूरिनेशन होता है, हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है, वो भी हमारे लिविंग का प्रोसेस है। सांस आप लेते हो यानी ब्रीदिंग करते हो, यानी वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ। उसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हम जब जन्म लेते हैं तो काफ़ी छोटा होते हैं, उसके बाद काफ़ी बड़ा हो जाते हैं, यानी हमारा ग्रोथ होता है, वो भी एक लिविंग का। कभी आपके घर में एक पंखा है वो ग्रोथ करके अपना साइज बढ़ाता है क्या, नहीं। तीसरा मूवमेंट, हमारे बॉडी में मूवमेंट इटसेल्फ होता है, जबकि किसी भी नॉन लिविंग में मूवमेंट कराने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने रिविजन कर लिया है। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा न्यूट्रिशन। तो क्या है हमारा टॉपिक, न्यूट्रिशन। चलिए, कभी कभी आप देखते होंगे किसी का कोई छोटा बच्चा है काफी पतला दुबला है, और कभी कभी आप देखते हो कोई बड़ा बच्चा है उसके बॉडी का साइज या वेट ज्यादा अच्छा है, ऐसा क्यों? तो दिस इज डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जो हम खाना खाते हैं और वो खाने का डाइजेशन होने के बाद उसके अंदर के जो केमिकल है वो हमें जो एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी से हमारे बॉडी के अंदर वेरियस जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है जैसे ग्रोथ होना, मूवमेंट होना, ये सारा चीज प्रोसीड होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो जो जितना ज़्यादा फूड लेगा उसके अंदर उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन आएगा, जो जितना कम फूड लेगा उतना कम न्यूट्रिशन आएगा। मतलब ये हुआ कि ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे तो सारी चीज़ें नॉर्मल, ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर मोटापा आती है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। ओके, एक नॉर्मल जितना एवरेज जो जरूरत है बॉडी को उतना। तो अगर हम बात करें कि भाई न्यूट्रिशन है क्या, तो न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जो हम फूड लेते हैं तो टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर केमिकल एनर्जी फॉर द वेरियस प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिशन क्या है, तो लिखेंगे न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच इंक्लूड टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ their energy in various physiological process.
वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। डेफिनेशन एक तरफ है, एकदम सिंपल वे में अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रिशन क्या है, दो ही चीज को याद रखो, जो हम खाना खाते हैं और उस खाने का जो एनर्जी हम जो यूज करते हैं अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए या दूसरे काम के लिए, उसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी खाना खाना और उस खाने के अंदर जो एनर्जी है, खाना क्यों खाते हैं, उसकी एनर्जी को यूज करने के लिए। तो जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो उसके अंदर का जो एनर्जी है वो हम यूज करते हैं अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड वेरियस एक्शन के लिए, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई इन वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्शन। अब आइए न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स होता है, तो न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी क्यों मिलती है, तो कहते हैं केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड और केमिकल सब्सटेंस जो फूड में है, यानी कि उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, इट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, उसी को क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स, उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आप खाना खा रहे हो, अब उसको क्या कह दिए, फूड कह दिए। खाना के रूप में आप क्या खाते हो भाई, चलो आपने क्या खाया, आपने खाया चपाती, राइस, पनीर और किसी लोग कोई लोग चिकन खाया, ठीक है, किसी ने एग लिया या फिर कोई मिल लिया, ये जनरल हम खाना खाते हैं। अब इनमें ये फूड में हमें क्या क्या है, जो हमने खाना खाया तो इस फूड में हमें क्या मिला, तो ये फूड जो है ये जाएगा किसने, एक प्रोसेस है जिसका नाम है डाइजेशन। तो जैसे चपाती है, राइस है, तो इन सब में हमें क्या मिलता है, इन सब में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मिलेगा हमें प्रोटीन, तीसरा हमें मिल सकता है फैट, और फिर हमें मिल सकता है मिनरल्स, और हमें मिल सकता है विटामिन्स और एडिस, ठीक है, यही सब चीज होते हैं हमारे फूड में। तो जब डाइजेशन होता है तो ये जो फूड है, ये फूड क्या है, ये फूड जो होता है बेटा, या कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आखिर डाइजेशन क्यों होता है हमारे बॉडी में, डाइजेशन इसीलिए होता है ताकि ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट विद डाइजेशन के प्रोसेस से, ये कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें, तो सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आपने चपाती खाया है तो उससे आपको शुगर मिलेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर, जैसे आपको मिल गया ग्लूकोज, चीनी पानी पिया उससे भी आपको मिलेगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज। आपने जो चिकन खाया है या जो अंडा खाया है या पनीर खाया है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो उस प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो उससे क्या बनेंगे, क्या मिलेगा आपको, एमिनो एसिड। उसी तरह ये जो फैट है, यानी जो कुकिंग ऑयल यूज होता है, बटर यूज करते हैं, घी खाते हैं, वो फैट है, तो उस फैट से आपको क्या मिलेगा, तो उस फैट का जब डाइजेशन होगा तो उससे आपको विटामिन जाएगा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, समझ में आई बात। और विटामिन थोड़ा
विटामिन नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये ही सभी जो है ये क्या है, इन्हीं को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। इनको क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। देखो जो सबसे सिंपल फूड होता है, यानी जो सबसे आसानी से हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में हम लोग तो जैसे ग्लूकोज तो सिंपलेस्ट शुगर है ग्लूकोज, और जैसे स्टार्च वो कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो स्टार्च किससे बना है, तो जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल ये सब खाते हो उसमें स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। अब लिखेंगे आप ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट शुगर एंड इट इज सिंपलेस्ट फूड। अब कभी आपको थकावट होती है, क्यों देता है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ग्लूकोन डी, क्योंकि उसको डाइजेशन में नहीं जाना है, उसको डाइजेस्ट होने में 3-4 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा, लगेगा ही नहीं, वो आप पिएंगे और आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देगा, तो आपको थकावट कम महसूस होती है। कभी किसी को चक्कर आता है तो उसे क्या करते हैं, चीनी पानी और थोड़ा नमक दे देते हैं, क्योंकि जो चीनी दिया वो ग्लूकोज है, और जैसे ही वो ग्लूकोज को पिएगा उसको डाइजेशन, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में 6-7 घंटे मिनिमम 3 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन जो चीनी पानी पीते उसको डाइजेशन में नहीं जाना है, वो तुरंत हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो इसीलिए चीनी पानी पीते हैं जब हमें थकावट या वीकनेस या कुछ तबीयत खराब होती है। तो ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट शुगर एंड इट इज सिंपलेस्ट फूड। उसके बाद देखो तो ग्लूकोज का ये हो गया, और उसके बाद स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर। अब बोथ ग्लूकोज एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। तो देखो ये जो स्टार्च है या ग्लूकोज है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा है, क्लास 11th में जब आप जाओगे तो बायो मॉलिक्यूल करके एक लेसन है, उसमें पूरा पढ़ाते हैं कितने तरह के ग्लूकोज है, ये कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट है, कितने कितने कार्बन का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक जाता है, वो अभी आपको नहीं जानना है, बट आगे की वो बातें हैं। तो पहले इतना समझ लो ये स्टार्च एंड ग्लूकोज ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। अब हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो तुरंत हमें एनर्जी देता है, हमारे एटीपी बना के हमारे बॉडी के बैलेंस मेटाबॉलिज्म को प्रोसीड कराएगा, जो भी
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का टूटना और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, ये दोनों प्रोसेस जो है मेटाबॉलिज्म में आते हैं। चलिए वो अभी आगे लिखूंगा। तो ये प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, जबकि प्रोटीन एंड मिनरल्स ये जो है पार्टिसिपेट्स इन ग्रोथ ब्लड स्किन फॉर्मेशन आरबीसी। तो प्रोटीन जो है वो तुरंत एटीपी तो टूटेगा तो उससे भी एटीपी बनेगा, लेकिन ये प्रोटीन जो होता है या फैट ये सॉरी अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा, वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जब हम जन्म लेते थे इतना छोटा सा थे, आज इतने बड़े हो गए थे, क्यों? इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ग्लूकोज और फैट ये टूट करके हमें तुरंत एटीपी देते हैं, जिस एटीपी की मदद से हम अभी बोल रहे हैं तो एनर्जी खर्च हो रही है। तो एनर्जी खर्च हो रही है तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा है? उसके लिए एनर्जी हमारे बॉडी का ग्लूकोज या हमारे बॉडी का फैट टूट रहा है। और आपका साइज जो बड़ा होता है, कभी मोटापा होता है, कभी मोटापा कम हो जाता है, या ये सब चीज के लिए, तो उसमें या तो फैट या फिर प्रोटीन मेन रोल प्ले करता है। ओके, अब आइए न्यूट्रिशन के लिए जब हम लोग चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो बस ये थोड़े व्यापी की बात नहीं है, हर जगह मेटाबॉलिज्म आपको आते रहेगा, इसलिए लिख देता हूँ। मेटाबॉलिज्म तो समझेंगे सिंपल सा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग इन मेटाबॉलिज्म। तो एक सेल के अंदर किसी भी चीज का बनना और एक सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का टूटना, ये दोनों प्रोसेस इंक्लूड होते हैं मेटाबॉलिज्म में। आप बस इतना ध्यान रखो, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। अब आप सोचेंगे सर ये सब बुक में नहीं है, बुक में नहीं है लेकिन टर्म आता है तो आपको समझाना जरूरी है, आपको ये हमेशा आएगा। एनाबॉलिज्म का मतलब समझो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम, बस सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आप देख लो CO2 और H2O मिलकर के क्या बना देता है, तो ग्लूकोज बना देता है। और जबकि कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जैसे एग्जांपल के रूप में फिर देख लो, तो यहाँ जब हमारे सेल के अंदर जो खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जाकर के टूटता है, तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा CO2+H2O मिल जाएगा। तो ये कैटाबॉलिज्म हुआ और ये एनाबॉलिज्म हुआ, और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला करके हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये सब जो है उसके लिए ग्लूकोज फैट, और ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए जो है वो है प्रोटीन। यहाँ तक की बातें समझ गए। अब चलिए
अब आइए देखिए न्यूट्रिशन, तो देंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह से, न्यूट्रिशन जो है बेटा वो मेन रूप से दो तरह के होते हैं, है ना। एक होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड होगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा। ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक की अगर बात करें तो हेटरोट्रॉफिक बेटा तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैप्रोफिटिक, सेकेंड पैरासिटिक एंड थर्ड पॉलोजोई न्यूट्रिशन। जबकि ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जो अपना खाना खुद बना लेता है, और जैसे ऑटोट्रॉफिक में एक एग्जांपल के रूप में देखने पड़ता है बस फोटोसिंथेटिक और दूसरा केमोसिंथेटिक। तो इसमें हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक एंड केमो सिंथेटिक, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक हमें देखने को लिए यानी कि इसका एग्जांपल जैसे प्लांट, केमोसिंथेटिक का एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का एग्जांपल तो या तो कुछ फंगाई होंगे या फिर बैक्टीरिया होगा, पैरासिटिक में बैक्टीरिया देखने को मिलेगा हमें, और होलोजोई में ये जो एनिमल्स हैं मैक्सिमम एनिमल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक के बारे में। तो ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CO2 और H2O से, ठीक है, तो किसी भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से या किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक केमिकल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एनर्जी बनाता है या एनर्जी लेता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। यानी सिंपल वे में कहें कि जो अपना खाना खुद बना लेता है, यानी अपना खाना के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। वी आर डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द फूड। ये फूड क्या होता है, फूड में क्या है न्यूट्रिशन, खाना क्यों खाते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। तो दो ऑर्गेनिज्म which are not depends on the other organism for their food, that is called autotrophic organism. So organism which synthesize their own food or food from inorganic substance called autotrophic न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे फोटो सिंथेटिक
तो फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, खास करके जो प्लांट है यानी जो कोई भी ग्रीन ऑर्गेनिज्म या ग्रीन प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एंड H2O इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और उसी के प्रेजेंस में ये काम करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए तो क्या कहते हैं ये, इसका फोटोसिंथेटिक का मतलब प्लांट ऑफ ऑर्गेनिज्म और
supply their own food from inorganic compounds for heterotrophic. तो उसी को क्या कहेंगे बेटा, उसको हेटरोट्रॉफिक कहेंगे, और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या हेटरोट्रॉफिक। अब देखो हेटरोट्रॉफिक में तीन टाइप्स हम लोगों ने देखा, आपको नाम लिखा था तीन थ्री टाइप्स कौन कौन सा, तो एक आपको मैंने बोला सैप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा जो है वो होलोजोइक है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कौन है, तो जनरली बैक्टीरिया और फंगाई हमें देखने को, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं लेकिन अगर किसी दूसरे का खाना बनाया हुआ खाते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ही याद रखो कि ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज फूड विच आर सिंथेसाइज फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो हम वैसे फूड को खाते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे आप मटन ही खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, तो मटन चिकन जो खाए हैं आप, वो मटन और चिकन अपना फूड किससे लिया, प्लांट से लिया। या फिर आप राइस भी खा रहे हो तो वो कहाँ से आया, प्लांट से आया है। तो हम खुद नहीं बना रहे हैं, किसी का बना हुआ बनाया हुआ फूड को हम लोग यूज कर रहे हैं सोर्स ऑफ फूड के रूप में। ओके, तो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं और वो खाना हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद उसके बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शन से डाइजेशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होगा बेटा, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म में वो अपने एंजाइम को पहले अपने बॉडी से बाहर ही सीक्रेट करके उसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी डाइजेशन का लगभग प्रोसेस बॉडी से बाहर कर देगा और तब उसको सिंपल फूड के रूप में इंजेस्ट कर लेगा, खाएगा। वैसे प्रोसेस को यानी वैसे ऑर्गेनिज्म को जो ऐसा करता है उसी को हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात, डिफरेंस बस इतने का रहता है। हम लोग खाना जो है वो कैसे लेते हैं, हम लोग खाना यानी कि पहले खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, लेकिन ये जो होता है वो खाना खाता है और तब उसका पहले डाइजेशन बाहर करेगा, देन उसको खाएगा। तो वैसे को हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक। चलेंगे दिखेंगे इसको, अर्थ से बैक्टीरिया और फंगाई को हटा दिया जाए तो कोई फूड खराबी नहीं होगा,
क्योंकि जितने भी चीज डे 20 पीक होते हैं उनको डिकेट करने का काम कौन करता है? बैटरी का सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लिखेंगे डे ऑफ्टेन देयर फूड फ्रॉम एट एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एट एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आइए सैप्रोफिटिक, कंप्लीट हुआ। सेकेंड में पैरासिटिक, पैरासिटिक का क्या कहता है? पैरासिटिक कहता है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या सेल के अंदर या सेल के बाहर रह करके और उसका बना बनाया खाना खुद खा ले, यानी एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान हो रहा है, दैट इज द पैरासिटिक। कहते हैं ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स फूड, दैट टेक्स फूड फ्रॉम that takes food from another that takes prepared food, जैसे ग्लूकोज को डायरेक्ट ले लेगा, prepared food from another ऑर्गेनिज्म। अब पैरासाइट का सर्वाइव फॉर्म, सर्वाइव फॉर्म बॉडी सरफेस ऑफ इन द बॉडी, जो पैरासाइट होते हैं या तो वो बॉडी के सरफेस पे होंगे या इनसाइड दी बॉडी होंगे, और वो डायरेक्ट क्या करेंगे, बना बनाया खाना, जैसे हम खाना खाएं और वो हमारा खाना क्या हुआ, हमारा खाना डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हुआ, और अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में तो डायरेक्ट उस बने बनाए खाना को ले लेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, तो वैसे को हम लोग कहते हैं पैरासाइट। यानी पैरासाइट वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, तो वैसे अपने हम क्या कहते हैं पैरासाइट, इसलिए कि लिखा है पैरासाइट्स आर सर्वाइव ऑन बॉडी सरफेस और इन द बॉडी टू ऑब्टेन प्रिपेयर्ड फूड। अब है होलोजोई, होलोजोई ऑर्गेनिज्म या होलोजोई न्यूट्रिशन में क्या होता है? देखो, होलोजोई का मतलब हुआ कि जो एनिमल अपने माउथ के थ्रू फूड को इंजेस्ट करता है, That is called holozoic. उसी को क्या कहेंगे? Holozoic organism कहते हैं। Okay? तो holozoic का मतलब हमेशा याद रखिए कि organism those intake food in mouth या intake food through the process of ingestion, उसको कहते हैं holozoic। Organism intake of food material from the mouth, यानी कि जो खाना है वो किधर से ले रहा है, तो अपने माउथ से ले रहा है,
बेटा इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन इंगेज करना उसको कहते हैं, जो इंजेक्शन और और इस तरह से जो न्यूट्रिशन लेता है उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आई बात? अब इसमें द डाइजेस्टेड फूड इज goes into digestion process, then utilize for जो फूड को हम लोग इंजेस्ट किया है वो डाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा, देन आफ्टर उसको यूटिलाइज करेंगे एनर्जी के रूप में। तो ये होता है हमारा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म या होलोजोइक, इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन, यानी पूरा फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा प्रोसेस। आपको क्लास 11 में फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट फोटोसिंथेसिस का हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग उस समय टॉपिक देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।